ये बताने के लिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स कैसे होता है। एसिड डेरिवेटिव्स में यहाँ पर कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, कार्बोनाइल हो, उसके साथ जी अटैच हो रहा है, जी यहाँ पर सी एल ओ एच कुछ भी हो सकता है, ओ आर, अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ एसिड बन जाएगा और जी एच अलग हो जाएगा। जैसे एसिड अगर आपने यहाँ पर ले लिया, एस्टर ले लिया, यहाँ आर डैश ले लीजिए, तो एस्टर लेते ही ये ओ आर अलग हो जाएगा, इसकी जगह ओ एच आ जाएगा और ये अल्कोहल। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या मिल रहा है, अल्कोहल। यहाँ अगर एसिड एंड नाइट्राइट ले रखा है तो आपके पास दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ एसिड हैलाइड ले रखा है आपने तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl मिलेंगे, और अगर एमाइड ले रखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया रहेंगे। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन केस में, यानी एमाइड्स के केस में और एस्टर के केस में, एमाइड्स के केस में और एस्टर के केस में आपके पास एसिडिक मीडियम होना जरूरी है। न्यूट्रल मीडियम में ये बहुत ही स्लो, यानी कि इम्पॉसिबल सा ही हो जाएगा, तो रिएक्शन होगी। तो दोनों ही जगह हमारे पास एसिडिक मीडियम होना चाहिए जिससे बनने वाला अमोनिया यहाँ पर अलग जा सके, एक सॉल्ट बना सके और रिएक्शन को फेवर करे फॉरवर्ड में। तो ये छोटा सा पॉइंट है, यानी किसी भी एसिड डेरिवेटिव से अगर आपको एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो उसमें HCl या फिर H2SO4 डाइल्यूट करके डाल दीजिए। ध्यान से सुनना, HCl या फिर H2SO4, HNO3 मत लेना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दिक्कत पैदा कर देगा आपको। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, लिख लें।